मुख्यतः तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का जब दौरा किया और वहां की के माननीय विधायकों की मांग पर और विशेष करके जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो सिंचाई स्वास्थ्य विभाग है, या हमारा हमारा अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है। और अगर मैं सबसे पहले कहूं तो कोटला बेहड जो जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर लोक निर्माण डिवीजन के खोलने पर मोहर लगाई है। और उसी के साथ साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को इंदौरा गए थे, वहां पर भी उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र में एक PWD के डिवीजन की घोषणा की थी, उसको भी आज यहां पर मोहर लगी है। और इसी के साथ साथ जसवां प्रागपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक नया IPH का डिवीजन, उसके ऊपर भी आज वहां पर स्वीकृति इस माननीय कैबिनेट में मिली है। और उसी तरह से जिला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने के बारे में भी घोषणा की गई। और उसी तरह से जसवां प्रागपुर में जो संसारपुर टेरेस है, वहां पर एक अग्निशमन केंद्र खोलने की भी बात वहां पर कही गई है। और उसी तरीके से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे लड़ब रोड में स्तौन तहसील पोंटा साहब में, अम्बोया तहसील पोंटा साहब में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI की भी मोहर आज की कैबिनेट की बैठक में आज यहां पर, अटल आदर्श विद्यालय जो जिला बिलासपुर में, चंबा में, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में, अलग अलग इन विधानसभा क्षेत्रों में भी आज अटल आदर्श विद्यालय खोलने की संतुति या अनुमोदन या मोहर, ये कह सकते हैं, आज यहां पर लगाई गई है। और उसी तरीके से मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में स्कूल प्रबंधन समिति SMC द्वारा रखे गए अध्यापकों के मानदेय में भी 20% की वृद्धि आज यहां पर की गई है। और जो हमारे मिड डे मील वर्कर हैं, कुक कम हेल्पर, मिड डे मील में जो भी है, वो भी बजट में कहा गया था 1800 रुपए से 2000 रुपए उनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि कीर्ति चक्र विजेताओं सैनिकों को प्रदान की जाने वाली वार्षिक राशि जो 1.5 लाख थी, उसको भी बढ़ाकर महावीर चक्र विजेताओं की वार्षिक के समकक्ष 2 लाख रुपए किए जाने की इस कैबिनेट की बैठक में आज मोहर लगी है। और मैं जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो लगभग 2 दर्जन से अधिक जो हमारे हस्पताल हैं, जहां कुछ नए हस्पताल खोलने हैं या नए जो हस्पताल थे उनको अपग्रेड किए जाने की बात है, उस पे भी मोहर लगी है। अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूं, सुंदरनगर के हस्पताल को 100 बिस्तरों से बढ़ाकर के 150 बिस्तरों तक किया गया है। तत्तापानी जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और BMO ऑफिस भी उस इलाके में खोलने की घोषणा आज यहां पर की गई है। और इस तरह से एक लंबी सूची लंबी सूची